गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम अगेन इन माय चैनल। चलिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि एडलवाइस मोबाइल ट्रेडिंग में बाई करते समय कौन कौन से प्रोडक्ट टाइप आते हैं। प्रोडक्ट टाइप मींस डिलीवरी, MIS, इंट्राडे, MTF और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए वहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम फिरोज़ है, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे स्क्रीन के आपके सामने दिख रहा है वॉचलिस्ट दिख रहा है। पहले तो हम प्रोडक्ट टाइप के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कुछ वॉचलिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि वॉचलिस्ट क्या होता है। ये देखिए, ये है वॉचलिस्ट। वॉचलिस्ट मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके द्वारा सेलेक्टेड किए हुए स्टॉक्स आप रख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। आपको बार बार स्टॉक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नया वॉचलिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखिए आपके सामने पे ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट एंड मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट एंड मैनेज में हम जाने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू इक्विटी वॉच लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे नया नाम डाल के एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बनाता हूँ बुल्स के नाम से, बुल्स मैंने डाला और क्रिएट पे दबाया, मैंने क्लिक किया। क्रिएट पे जाने के बाद देखिए सर्च स्टॉक्स, सर्च स्टॉक्स मतलब वो स्टॉक्स जो हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाटा केमिकल, टाटा केमिकल मैंने एंट्री किया। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, टी एंड प्लस का। तो मैं यहाँ पे प्लस पे जाऊँगा। प्लस मतलब मैं अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ। तो प्लस में जाने के बाद दोनों एक्सचेंज सामने पूछ रहा है कि BSE से NSE से। जैसा आपको पता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, NSE में वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है। तो मैं NSE सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे NSE करने के बाद डन करता हूँ, ओके। तो मैं देखिए फिर यहाँ पे जाऊँगा और अपने वॉच लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैंने बुल्स को सेलेक्ट किया तो मेरे द्वारा बनाया गया वो वॉच लिस्ट मेरे सामने आ गया। जो स्टॉक को मैंने ऐड किया था टाटा केमिकल यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे और कोई स्टॉक्स को ऐड करना है तो सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है, आप प्लस में जाएंगे। जैसे टाटा मोटर ये आपके सामने ही है, टाटा मोटर को मैंने ऐड करता हूँ। टाटा मोटर को ऐड करने के बाद इसमें एक्सचेंज पूछ रहा, सेम मैंने NSE करता हूँ और डन किया और ओके। तो सेम ये टाटा मोटर्स भी हमारे वॉच लिस्ट में चलाया, बुल्स वाले वॉच लिस्ट में चलाया। चल ये तो हो गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में जैसा मैंने बताया, वॉच लिस्ट में आप किस द्वारा सेलेक्टेड किए हुए स्टॉक्स भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाटा केमिकल को ही बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, टी मतलब ट्रेड, आपको टी कहीं भी दिखेगा तो टी मीन्स ट्रेड। आप डायरेक्ट उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, नॉट इवन फ्रॉम वॉच लिस्ट, यू कैन ट्रेड फ्रॉम एवरीवेयर। आप सर्च स्टॉक को सर्च करके भी ट्रेड कर सकते हो वहाँ से। तो मैं कुछ नहीं यहाँ पे टी पे जाऊँगा। टी पे जाने के बाद देखिए टाटा केमिकल NSE के एक्सचेंज से ओपन हो गया है, 316 रुपीज़ एंड 70 पैसे ये रनिंग प्राइस है। अभी मार्केट ओपन है, 3:15 हो रहे हैं टाइम। तो देखिए यहाँ पे एक्शन पूछ रहा है, एक्शन मीन्स आप बाई करना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं। जैसे मैं बाई करना चाहता हूँ तो बाई पे क्लिक करूँगा, बाई क्लिक हो जाएगा। क्वांटिटी जस्ट आई वांट टू बाई वन स्टॉक। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टाइप, जी हाँ इसी की बात करने वाले थे हम, प्रोडक्ट टाइप की कौन कौन से होते हैं और किसके किसके क्या क्या यूज़ हैं। देखिए डिलीवरी प्लस, डिलीवरी इंट्राडे सॉरी कवर ऑर्डर और मार्जिन ट्रेडिंग फंड, ये पांचों ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। वन बाय वन मैं डिफाइन कर देता हूँ, इनको समझने की कोशिश करिएगा। डिलीवरी से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डिलीवरी क्या है। डिलीवरी मतलब CNC, CNC मीन्स कैश एंड कैरी, इज अ प्रोडक्ट टाइप वेयर यू हैव टू पे 100% मनी टू गेट शेयर इन डीमैट अकाउंट। इट मीन्स अगर आप डिलीवरी में कोई स्टॉक बाई करते हैं तो आपको 100% कैश में बाई करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये हैं तो आप 999.99 तक स्टॉक बाई कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपये का ही स्टॉक बाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई लिवरेज नहीं मिलेगा। लिवरेज के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। डिलीवरी मीन्स आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैश में ही बाई होगा, जो भी आपके पास कैश है, बैलेंस है। चलिए सेकेंड ऑप्शन आते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे डिलीवरी प्लस में। डिलीवरी प्लस कि डिलीवरी प्लस क्या होता है। चलिए डिलीवरी प्लस में जैसे डिलीवरी में बताया कि आपने कैश में कैश बैलेंस में स्टॉक रख लिया। अब ऑब्वियसली आपने किसी स्टॉक को, किसी भी शेयर को कैश में खरीदा है तो वो आप अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं, चाहे एक दिन रखिए, चाहे एक साल रखिए, चाहे 10 साल रखिए। वो स्टॉक्स आपने कैश में बाई किया है वो आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड हो जाएंगे। डिलीवरी प्लस का क्या है, डिलीवरी प्लस में आपको यहाँ पे 4 times लिवरेज मिलता है। लिवरेज मीन्स
अगेंस्ट आपकी कैश बैलेंस और अगेंस्ट आपके स्टॉक होल्डिंग पे भी लिवरेज मिलता है। मतलब एक सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपये कैश बैलेंस है आपके पास, तो इंटू 4 मतलब 4000 रुपीज का स्टॉक आप बाई कर सकते हैं। जी हाँ, 3000 आपको उधारी मिल रही है, आप 4000 का स्टॉक बाई कर सकते हैं डिलीवरी प्लस में। अब इसमें ये बात यह है कि आपने पूरे पैसे तो नहीं दिए हैं, आपने पैसे मात्र दिए हैं 1000 रुपये। जो 3000 के एक्स्ट्रा स्टॉक्स हैं वो आप 3+5 डेज मतलब 7 डेज के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आप 5 डेज ही पकड़ के चलिए इसको, 5 डेज के अंदर आपको उसको सेल आउट करना पड़ेगा या फिर आपको उसमें बैलेंस ऐड करने पड़ेंगे। ये है डिलीवरी प्लस, जिसमें नॉर्मल में 4 टाइम्स लिवरेज एंड 3+5 डेज फॉर होल्डिंग। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके MTF के बारे में कि MTF क्या है। MTF ये एडलवाइस का काफ़ी फेमस और काफ़ी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मार्जिन ट्रेडिंग फंड एक्चुअली इट ऑफर्स लिवरेज अप टू 4 टाइम्स अगेंस्ट द कैश एज वेल एज स्टॉक होल्डिंग्स। द लॉन्गर होल्डिंग्स पीरियड अप टू 320 डेज मतलब आप यहाँ पे 4 टाइम्स, जैसे 1000 कैश बैलेंस है तो 4 टाइम्स मतलब 4000 का स्टॉक बाई कर सकते हैं। डिलीवरी प्लस में क्या था कि आपको होल्डिंग केवल 3+5 डेज के लिए होल्डिंग टाइम दे रहा था, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग फंड में आप इस स्टॉक को एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 320 डेज के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन। आपको मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन का मेल आता रहेगा, इनकेस आपके स्टॉक नीचे आ रहे हैं तो आपको वो मेंटेन करने पड़ेंगे को मिनिमम मार्जिन को, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं एक लंबे पीरियड टाइम के लिए। हाँ, डेबिट अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप अपने ब्रोकर से जान सकते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज आपका इंटरेस्ट परसेंट कितना लगता है। ठीक है, ये हो गया MTF का। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है एक MIS का भी है, MIS के बारे में बात कर लेते हैं। MIS मतलब इंट्राडे प्रोडक्ट। इंट्राडे मीन्स अगर आप कोई स्टॉक को बाई करते हो आज सेम डे, तो सेम डे वो सेल आउट होगा 3:10 पे। सेम डे बाई सेम डे सेल, दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे। अगर आप डिलीवरी में या फिर MTF में भी बाई करके सेम डे सेल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्राडे। वो आपके चार्जेस जो हैं ब्रोकरेज चार्जेस आपके इंट्राडे ही लगेंगे। यहाँ पे इंट्राडे प्रोडक्ट का मीन्स ये है, ये प्योर इंट्राडे। अगर आप MIS करके बाई करते हैं कोई भी स्टॉक, तो ऑटोमेटिक वो सेल आउट हो जाएंगे 3:10 पे। अगर यही बात लिवरेज की, तो इट ऑफर 6 टाइम्स अगेंस्ट द कैश एंड एज वेल एज द स्टॉक होल्डिंग्स, 6 गुना। जी हाँ, अगर 1000 रुपये आपके पास, तो आपको 6000 रुपये तक का स्टॉक्स बाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिवरेज मिलता है। ये हो गया इंट्राडे। जो लास्ट ऑप्शन जो रह गया है वो है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर सबसे ज़्यादा लिवरेज देने वाला। कवर ऑर्डर विच गिव्स लिवरेज अप टू अगेंस्ट द कैश एलवेज स्टॉक होल्डिंग्स इट्स एट 20 टाइम्स। जी हाँ, अगर आप 1000 है तो आप 20000 तक स्टॉक बाई कर सकते हैं। कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस इज द मैंडेटरी टू प्लेस। मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और आपको 3-5% स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करने के लिए मिलेगा। और आपको बता दूँ, कवर ऑर्डर ये है इंट्राडे प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप आज बाई कर रहे हैं तो आज ही वो सेल आउट होगा। इंट्राडे इट्स प्योर इंट्राडे प्रोडक्ट, और 20 गुना तक लेवरेज मिलता है। 1000 पे 20000 पे आप 20000 तक का स्टॉक बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस के बारे में मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बात किया हुआ स्टॉप लॉस में कैसे लगाते हैं कैसे लगाते हैं। चलिए यहाँ पे हम बाई करके देखेंगे। MTF में मैं बाई करता हूँ, क्वांटिटी 1 है, टाटा केमिकल में बाई कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ऑर्डर टाइप, ऑर्डर टाइप में लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। लिमिट मीन्स हम बोली लगा सकते हैं, मतलब हम अपने प्राइस को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अभी का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 314। मैं यहाँ पे रेट डाल दूँ 310। मैं 310 रेट डाल देता हूँ कि 310 में ये प्राइस आएगा तो मेरे स्टॉक जो है बाई होने जाने चाहिए। मतलब मैं अपने प्राइस को वहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। फिर ऑर्डर स्टेटस, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑर्डर स्टेटस में। ऑर्डर स्टेटस में मतलब लगाए हुए ऑर्डर को देखने के लिए कि इसके कंडीशन क्या है। इसमें टाटा केमिकल बाई 1 क्वांटिटी और ये ओपन ऑर्डर दिखा रहा हूँ। ओपन ऑर्डर मतलब मेरी बोली लगी हुई है मार्केट में, ये 310 रुपये में आएगा प्राइस, तो ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा। मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ,
मैं क्वांटिटी और रेट को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई में जाऊँगा, देखिए सेम मैं रेट अगर यहाँ पे लिमिट की जगह मार्केट कर दूँ, मार्केट मीन्स जो भी प्राइस चल रहे हैं मार्केट में अभी 314.90 रुपये, उस मार्केट प्राइस पे हमारे स्टॉक्स जो हैं बाई हो जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट और लिमिट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्केट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिस क्वांटिटी पूछ रहा है, डिस क्वांटिटी मतलब द डिस्क्लोज क्वांटिटी, एक्चुअली बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं इसको। ये मतलब आप अगर लाखों में शेयर्स बाई कर रहे हैं और मार्केट में आप नहीं चाहते कि ये हमारे डेप्थ में, जो डेप्थ में हमारी क्वांटिटी दिखती है वो दिखे, क्योंकि तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज मतलब आप जितने क्वांटिटी डिस्क्लोज करना चाहोगे तो डेप्थ में आपके वही क्वांटिटी वहाँ पे शो करेंगे। तो बेसिकली ये बड़े ट्रेडर जो हैं यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, और लास्ट ऑप्शन, सॉरी एक लास्ट ऑप्शन है वैलिडिटी। वैलिडिटी वैलिडिटी में डे और इमीडिएट और कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन सामने आ रहे हैं। डे मीन्स हो गया कि आपके स्टॉक्स जो हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और आ रहा है, ये है वैलिडिटी का। वैलिडिटी मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए डे पे क्लिक करेंगे डे, और एक ऑप्शन है आपका इमीडिएट और कैंसिल। डे मीन्स होता है आप कोई भी स्टॉक्स को, जब डे वाइज रहता है ये, तो आप वो स्टॉक्स जैसे 310 रुपये मैंने रेट डाला था, वो 310 रुपये एक दिन के लिए पूरा ओपन रहेगा। अगर वो 310 में प्राइस आ गया तो आपका सौदा कंप्लीट होगा, अगर प्राइस नहीं आया तो सौदा रिजेक्ट होगा एंड ऑफ द डे, मतलब 3:30 के बाद में आपका सौदा जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इमीडिएट और कैंसिल करते हैं, तो अगर आप 310 रुपये रेट डालते हैं तो 310 रुपये अभी के प्राइस से, 314 रुपये के प्राइस से मैच नहीं करेगा और सडन आपका सौदा जो है कैंसिल हो जाएगा सडन। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डे रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसको डे रहने दीजिए। अब मैं इसको सबमिट करूँगा मार्केट प्राइस में, सबमिट प्लेस ऑर्डर। देखिए अब हम मैं इसमें ऑर्डर स्टेटस में जाके देखूँगा कि ऑर्डर स्टेटस में हमारे लगाए गए ऑर्डर का क्या कंडीशन है। तो देखिए पहले जो ओपन दिखा रहा था अब वो कंप्लीट दिखा रहा है। कंप्लीट मीन्स ये सौदा मैंने बुक कर लिया है, 314 रुपये में 90 पैसे मैंने एक क्वांटिटी बाई कर लिया है। चलिए आज का सेशन हमारा हो गया ये प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट टाइप में कवर ऑर्डर, डिलीवरी प्लस, डिलीवरी MIS, MTF। अगर इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है आपको प्रोडक्ट टाइप को लेकर, नीचे कमेंट आप ज़रूर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।